मीडिया से मुखातिब होते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है और जिसके चलते आज से सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। साथ ही रेस्टोरेंट भी 100% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में आना चाहिए और जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलें होंगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस पर हर मुद्दे पर जाति धर्म की आड़ लेकर काम करती है। और वहीं रेमडेसिविर चोरी मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए कुछ कहा उन्होंने। बहुत कम है, हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है। बहुत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, एक भी कोरोना के पॉजिटिव नहीं है। तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमें वो लोग जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके घरों पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का यदि भविष्य का सही निर्धारण करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो। यदि हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समृद्धशाली भारत सौंपें तो ये जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। कांग्रेस हर मुद्दे पर जाति और धर्म की आड़ लेकर काम करती है और इसीलिए हिंदुस्तान को बनाने वाले हर मुद्दे को वो बिगाड़ने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान बढ़ेगा तो कांग्रेस घटेगी, ये उनको लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जागरूकता आएगी, जब हिंदुस्तान में आम जन मुख्य धारा से जुड़ेगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से समाप्त होगी। और इसलिए कांग्रेस हर समय इस देश में उन मुद्दों पर भटकाव की राजनीति करती है जो देश को बढ़ाने वाले और हिंदुस्तान के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुव्यवस्थित करने वाले हैं। उसकी जांच पूरी तरह से हुई है और जो भी दोषी हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। ये मुद्दा केवल मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस उठा रही है, ये ठीक नहीं है।